केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। पाकुड़ में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा किया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण 1 जून को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। उपरोक्त जानकारी उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने डीसी कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में प्रेस आयोजित कर पत्रकारों को दी। डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग से जारी गाइडलाइंस के आधार पर जिले में चुनाव कराया जाएगा। आज से जिले में पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। सभी सरकारी भवन और कार्यालयों में मुख्यमंत्री आदि के फोटो को हटा लिया गया है। 24 घंटे के अंदर जिले के सभी जगहों में राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगाए गए पोस्टर और बैनर कल हटाने का जारी किया गया है। जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की तिथि 7 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन की जांच की तिथि 15 मई, उम्मीदवारों के नाम वापसी 17 मई, मतदान की तिथि 1 जून, मतगणना की तिथि 4 जून और चुनाव संपन्न होने की तिथि 6 जून को निर्धारित की गई है। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1014 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 8,30,623 वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जबकि जिले में दिव्यांग वोटरों की संख्या 13,935 है। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी FST पदाधिकारी, SST पदाधिकारी समेत सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को लोकसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त संपन्न करवाने के लिए समाहरणालय स्थित सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल की अध्यक्षता में किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, राज्य कर पदाधिकारी नरेश चंद्र, DPO UID रितेश कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी संबंधितों को उनके कार्यों से संबंधित विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने कहा कि सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने में FST और SST की भूमिका अहम है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुर चेकपोस्ट में जांच के दौरान SP प्रभात कुमार ने संदेह के आधार चिप्स लदे दो ट्रक को जब्त किया था। जब्त ट्रकों की जिला खनन पदाधिकारी नितिन कुमार गुप्ता ने जांच की है। जांच में दोनों ट्रकों के चालान को सही पाया गया। DMO ने कहा कि जांच के दौरान ट्रक चालकों के पास 900 सेफ्टी का चालान था। चालान में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी नहीं पाया गया। इसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दे दी गई है। आपको बता दें कि SP ने गुरुवार की रात 10 बजे चांदपुर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया था। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बड़ी अलीगंज में अज्ञात अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले को लेकर गृह स्वामी प्रियंका भारती ने बताया कि घर में कुछ दिनों से ताला बंद था। हम लोग लिट्टीपाड़ा स्थित गांव के घर में रहते हैं। मैं BEd कॉलेज पाकुड़ में BEd की पढ़ाई कर रहा हूं। कॉलेज आने जाने के दौरान प्रतिदिन घर को देख लेता था, तो वही शनिवार को जब मैं घर पहुंचा तो घर के बाहर लगे गेट का ताला टूटा हुआ पाया गया और जब घर के अंदर गया तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घर में रखे सोने चांदी नगद सहित गुल्लक में रखे हजारों रुपए चोर अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। जैसा कि आप लोग भी मालूम है और आप लोग भी यहीं पे हैं, तो ये प्रियंका जी हैं, इनके घर में जो है चोरी हुई है, कैश की भी और ऑर्नामेंट की भी, ठीक है ना। और जो PO कह रहा है तो उसे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि छानबीन में पुलिस जो है बहुत जल्दी जो है इस कांड का उद्भेदन कर देगी। पाकुड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेवा गतिविधि स्टूडेंट फोर्स सेवा यानी कि SFS के तहत शिक्षक आनंद भगत ने रक्तदान कर एक महिला की जान बचाई है। ज्ञात हो कि ठाकुर नगर के खदान पाड़ा के समाज सेवी संजय सरकार ने सदर अस्पताल पाकुड़ में इलाजरत मातृ शक्ति माया मंडल के लिए रक्त की आवश्यकता की सूचना परिषद के कार्यकर्ताओं को दी। तो वही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं के आह्वान पर शिक्षक आनंद भगत ने
रक्तदान की इच्छा जताते हुए रक्त अधिकोष आकर रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मरीज की स्थिति गंभीर होने की सूचना मिली, वहीं इसकी उन्होंने बिना समय गवाए रक्तदान किया। छात्रों को सेवा से जोड़ते हुए ये गतिविधि बेहतरीन कार्य कर रही है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में मात्र एक बार रक्तदान करना शुरू कर देगा तो उसी दिन से किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी और किसी को रक्त का अभाव नहीं होगा। परिषद के FSS गतिविधि के कार्यकर्ता हर्ष भगत ने बताया कि रक्तदान महादान होता है, धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके की राज्यों की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।